अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, अब मैं पनावनी के कपड़े जो होते हैं वो मैं पैक करने वाली थी, तो सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ इसकी। वैसे इसको पैक करने की ज़रूरत थी तो नहीं, बट मेरा दिल था और मैं जो अच्छी सी पैकिंग करनी थी, सो मैंने अपनी कोशिश की है कि अच्छे से पैक हो जाए। तो अभी एक और ड्रेस पैक करना था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, हमने जो अप्पी की जिठानी का ड्रेस लिया था तो उसमें दुपट्टे के अंदर डिफेक्ट आ गया था, तो वो चेंज हो गया था। फिर इस वजह से मैंने दो वीडियो मतलब दो ड्रेस जो थे वो पैक कर लिए थे, और जेंट्स के जो कुर्ते हमने लिए थे वो तो पैक ही आए थे, तो उसको पैक करने की ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल ये भी पैक ही आए थे, बट मैं इनको और अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी, और सो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैंने किस तरीके से पैक किए हैं। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की थी इसको पैक करने के लिए। सो गाइस, आप लोग देखें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। सो पैक तो मैंने कर दिया था। अब हुआ ये कि नाम किस तरह लिखे हैं। अब नाम मार्कर से अगर पूरे प्लास्टिक के ऊपर लिखते हैं तो बैग के ऊपर लिखते हैं, मतलब कि जो ड्रेस के अंदर बैग है और इसके अंदर लिखते हैं तो वो बैग ख़राब हो जाएगा। कार्ड लगा के रखते हैं तो वो कोई अजीब ही लगेगा, तो उस कार्ड के लिए भी मैंने ग्लिटर के जो पेपर होते हैं उनकी हेल्प ली, क्योंकि मैं इस तरह का चीज़ें बनाती रहती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें थी। अब नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी कि सिस्टर इन लॉ लिखें, नंद लिखें, और या नाम लिखें या जो कहते हैं वो लिखें, तो ऐसी जीजू की जो मम्मा है उनके साथ हुआ था, मम्मा लिखें, अम्मी लिखें, नाम लिखें या मतलब सास लिखें, तो मतलब इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो लिख के बता रहे थे ऐसे कर दो वैसे कर दो, बट मैं मुझे जो ठीक लगा फिर मैंने वही किया, और मम्मा ने जो बताया, अप्पी ने मुझे बताया, उनकी हेल्प से मैंने फिर इस तरह लिख दिया और छोटा सा कार्ड बना के उस पर नाम लिख दिया। बड़े वाले मार्कर से लिख रहे थे तो वाज़े तौर पर नज़र तो आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था, बट छोटे से लिख रहे थे पेन से, बॉल पेन से, तो वो नज़र नहीं आ रहा था, और ग्लिटर्स वगैरह मेरे पास थे नहीं अभी, बट मैंने पैक कर दिया था जैसे तैसे किया, बट अच्छे लग रहे थे पैक होके। और इस तरीके से पैक हो सकते थे, अगर बैग वाले कपड़े नहीं होते तो और अच्छे से पैक हो जाते। Thank you.
इसलिए मैं हाथ से बाहर चुके थे ना, यहाँ अब इसको नहीं कर ऊपर से ले लो ना, जब भी ऊपर से आ रहा है। कैसे घुमाऊं तो, कैसे करने का कह रहे थे, बस ऐसे ही रहने दो। ये ऐसे घूम के ना इसके बिल्कुल ऐसे ही आगे चिपक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। वो पहले में चिपके थे ना, वो वाले इसमें चिपके थे ना, बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या करूं इनका, एक इधर लगा देती हूं, एक इधर। आई लाइक द हां, ये सही, हां ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ताजा चाहिए मुझे। सो गाइज, यहाँ पे सामान तो पहले ही पैक हो रहा था, मतलब पेटी के अंदर सामान रख रहे सब अपने तरीके से, तो उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही थी कि ये भी पेटी में फिट हो जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भाई भी थे, मामा भी थे, सब थे, तो सब हेल्प कर रहे थे, इस तरह नहीं, इस तरह करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उन सब की मदद से हो भी गया था जल्दी, और तकरीबन ये जो मैंने पैकिंग की है ये 25-29 मिनट में हो गई थी। वीडियो जो थी 25-29 मिनट की थी, बट मैंने इसको क्रॉप कर करके, एडिट कर करके 8 मिनट 32 सेकंड का कर दिया है। जब मैं डेकोरेशन के लिए सामान लेने गई थी, और तो मुझे सामान भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, कुछ चीज़ें बंद हो गई थी, क्योंकि अभी ना मार्केट्स वगैरह में सब जा नहीं रहे, लॉकडाउन था तो सबके पास सामान ख़त्म हो गया है और सब जा नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों, जहाँ पर भी जाओ चीज़ें नहीं मिलती, या तो कलर नहीं मिलता, तो मुझे अच्छे तरीके से सामान मिला तो नहीं था, तो थोड़ा जो टैब जो थे मेरे पास वो रखे हुए थे एक दो, और बाकी मैं लेकर आ गई थी। और ये जो फ्लावर है डिज़ाइन करने वाला, बर्थडे फ्लावर जो है, और ये मिल गया था, और ये लेकर आ गई थी मैं, तो इससे मैंने बना दी थी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो आप लोग को पसंद आए होंगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने जो ये पैकिंग की है ये कैसी लगी है, और ये बिल्कुल तैयार है अब। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ड्रेस कौन सा अच्छा लगा है आप लोगों को, और जो मैंने पैकिंग की है वो कौन सी ड्रेस कैसी लगी है। सो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।